प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय 7वां और 8वां वचन। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। पढ़े गए वचन अनुसार इपफ्रास के जीवन से हम प्रेम को प्रकट करें विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु के शरण में आए। बड़े ही कम शब्दों में हम इपफ्रास के स्वभाव को समझ सकते हैं। पहली विशेषता, पढ़े गए वचन में प्रेरित पौलुस कहता है हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास। इसका अर्थ है प्रेरित पौलुस का प्रिय नहीं बल्कि वहाँ के सभी लोगों का प्रिय। प्रियो, हो सकता है कई लोग हमारे प्रिय हो या फिर हम कई लोगों के प्रिय हो सकते हैं, लेकिन हम सभी के लिए एक समान प्रिय हो ये प्रभु की इच्छा है। हम हमारे मित्रों, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं के प्रिय होंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं, हम सभी के लिए एक समान प्रिय बने। इपफ्रास के स्वभाव की दूसरी विशेषता, वो एक सहकर्मी है। तीसरी विशेषता, वो एक विश्वास योग्य सेवक है। चौथी विशेषता, प्रेम को जो आत्मा में है उससे वो प्रकट करता है। और चौथी विशेषता जो मेरे हृदय को गहराई से छू गई, उसमें लिखा है कि उसने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसे स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करें तो एक उदाहरण से समझ पाएंगे। आज यदि दो व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को दूसरों को बताने या फिर उससे परमेश्वर की महिमा करने वाला और कोई नहीं होगा। लेकिन उसी के विपरीत यदि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं तो उस झगड़े को दूसरों को बताने वाले बहुत से व्यक्ति होंगे। प्रियो, हम अच्छाइयों को बांटने वाले हो, जो अच्छा प्रकट करते हैं उनके साथ हम हो, प्रेम को बांटने वालों के संग हम रहें, विद्वेष, परेशानियाँ, झगड़ों को, आपस के मन मुटाव को बांटने वाले में हमें परमेश्वर नहीं देखना चाहता। दूसरों के बारे में बुराइयाँ ना करें, पराजयों को दूर करें और अच्छाइयों को हम प्रकट करें। हमारे पढ़े गए वचन में आखिरी वचन इपफ्रास की इस विशेषता को बताता है। इस विशेषता को अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार बताया गया है, Who also declared to us your love in the spirit. उसने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। प्रियो, हम प्रेम और शांति के दूत के भागी हैं। इसी के विपरीत कड़वाहट, विद्वेष, दूसरों की हार, दोष को सामाजिक माध्यमों से दूसरों को बताने वाले ना हो। जो प्रभु को महिमा दे केवल वही हम फॉरवर्ड करें। दूसरों की बात गलत है और इस बात का हमें बोध है तो उसे घर में दूसरों से आप ना बोले। यदि आप ऐसी बातों को बोलते हैं तो वो भी गलत है, ये भी हमें बोध होना चाहिए। प्रभु के द्वारा दिया गया समय हम सही रूप से उपयोग करें और उसके दूत के भागी हों। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमपिता परमेश्वर, इपफ्रास के जीवन से जैसे हमने सीखा वैसी ही विशेषता आप हमारे जीवन में दें। केवल अच्छाई और प्रेम को प्रकट करने वाले हो, बुराइयों को हमसे मिटा दीजिए। एक नए निर्णय के साथ हम जीने पाएं और उसमें आप हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी का दिन अनुग्रहित करें।